लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वी टेस्ट ऑन ब्रिज और उसकी बैलेंस कंडीशन। आज हम कंटिन्यू वी टेस्ट ऑन ब्रिज से ही करेंगे। वी टेस्ट ऑन ब्रिज में यह है गैल्वेनोमीटर और इसमें जो करंट है वो आईजी है, यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर। ये R1 है, इसमें करंट I1 है, और ये R2 है, इसमें करंट क्या है I2 है, और ये क्या है ये आई है। ओके, ये करंट इसमें I3 जा रहा है R3 में, और इसमें I4 जा रहा है R4 में, और ये क्या है IG। तो ये आई से चल रहा है। VB इज इक्वल टू VD मतलब कि इसका मतलब हुआ कि वी टेस्ट ऑन ब्रिज क्या है बैलेंस है। यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल क्या है सेम है। ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या है सेम है, यानी VB इक्वल टू VD है। या ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि R1 बटे R2 इज इक्वल टू R3 बटे R4 बैलेंस कंडीशन में। आप ये बात देखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर बी का पोटेंशियल क्या है ज़्यादा हो डी से, अगर बी की पोटेंशियल ज़्यादा हो डी से, तो ये वाली जो पार्ट है यानी R1 डिवाइडेड बटे R2 छोटा होगा किससे R3 बटे R4 से। याद रखेंगे इस बात को। अगर VB ग्रेटर लेस देन VD हो, यानी इसकी पोटेंशियल क्या हो कम हो, तो ये होगा R1 बटे R2 ग्रेटर होगा R3 बटे R4 से। ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, मीटर ब्रिज की बात कर रहा हूं मैं। मीटर ब्रिज, पहली बात इसमें कि मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वीट मीटर ब्रिज जो है वो किस पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस इसी पे बेस्ड है। ओके, ए और जो सी है, ए सी इज 1 meter 100 centimeter metal wire terminal AC connected with cell of potential V potential का एक सेल लगा हुआ है इधर से। ओके, और यहां पर यह है बी, यहां प्रत्यय क्या डी, यह डी B D इज अ गैल्वेनोमीटर ये वाली है गैल्वेनोमीटर है विच कनेक्टेड फ्रॉम बी टू डी, जो बी से डी कनेक्टेड है। वी हैव टू सर्च, करना क्या हमको, वी हैव टू सर्च अ पॉइंट ऑन एसी An AC
वेयर गैल्वेनोमीटर सूज जीरो डिफ्लेक्शन. वी हैव टू सर्च अ पॉइंट ऑन एसी वेयर गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन. जहां पर क्या होगा, ए है और सी है, ए और सी पर एक पॉइंट है बी. जैसे जैसे इस गैल्वेनोमीटर को, इस पॉइंटर को यहां पर ऐसे से घुमाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है. तो इस मेटल वायर पर एक ऐसा पॉइंट है बी जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज बैलेंस. दिस कंडीशन इज कॉल्ड मीटर ब्रिज बैलेंस. दिस कंडीशन इज कॉल्ड मीटर ब्रिज बैलेंस. मीटर ब्रिज उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं. ध्यान रखें हम लोग करना क्या है, ये R1 है, ये R2 है और इसकी क्या है 100 सेंटीमीटर की लंबाई है. इस लंबाई के अकॉर्डिंग हमको ये मालूम करना है कि ये गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को इसमें हम खसकाते हैं ओके, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है. तो एक ऐसा पॉइंट इस पे सर्च करना है जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे. गैल्वेनोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, तो एक ऐसा पॉइंट को सर्च करना है. समझ रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट को हमको सर्च करना है. तो ये जो हो गया जीरो डिफ्लेक्शन यहीं पर शो कर रहा है, हमने मान लिया है. तो कैसे माना है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एल माना मैंने. ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया मैंने एल. तो इधर से कितनी हो गई 100 माइनस एल, मतलब कि इधर से एल डिस्टेंस पर और उधर से 100 माइनस एल डिस्टेंस पर एक पॉइंटर है जहां पर बी है, वहां पर गैल्वेनोमीटर का शो करता है जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है ना, तो इस कंडीशन में वीटोस्टेड ब्रिज क्या है, बैलेंस है. वीटोस्टेड ब्रिज क्या है, बैलेंस है. क्लियर, तो अब हमको कहते हैं वी नो दैट, यहां पर लिखते हैं अगला पॉइंट, वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई एरिया. तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ए है, ए एंड रो आर कॉन्स्टेंट, थ्रू आउट. थ्रू आउट एसी. क्लियर है, यहां से लेकर और यहां तक जो ये मेटल का वायर है, मेटल वायर एसी, यहां पर लिख सकते हैं एसी मेटल वायर. मेटल वायर कांस्टेंट है, ए से क्या है सी, ए से सी, यहां से ए बी और क्या हो गया बी सी, है कि नहीं, ए से बी और बी से सी. वी नो दैट आर बराबर रो एल बटे क्या होगा एरिया, ए एंड रो आर कांस्टेंट थ्रू आउट ए सी, यानी मीटर वायर. तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस, की बात करते हैं. तो लिखते हैं क्या, आर ए बी, यानी रेजिस्टेंस इन ए बी वायर.
रेजिस्टेंस इन एबी वायर। एबी वायर में हमको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए। तो जो एबी वायर में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो फार्मूला से ही लिखेंगे आर बराबर रो और एल बटे एरिया। तो यहां पर लिखेंगे आर एबी इज इक्वल टू रो एल बटे एरिया। आर ए बी, आर ए बी बराबर रो एल बटे एरिया। दूसरा क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस इन बी सी यानी आर बी सी इज इक्वल टू रो आर ए बी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन ए बी वायर। तो आर ए बी इज इक्वल टू रो रेजिस्टेंस इन बी सी, आर बी सी रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बटे ए। ओके, अब कर रहे क्या रेजिस्टेंस निकल गया इसमें, है ना? तो एल इसमें भी है, इसमें एल है और इसमें क्या है 100 माइनस एल है। यहां पर क्या है? रो और एरिया, और यहां पर भी क्या है? रो एंड एरिया। तो अब लिखेंगे कि नाउ व्हीट स्टोन नाउ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नाउ व्हीट स्टोन ब्रिज नाउ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नाउ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस है। तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ? आर वन बटे आर ए बी, इन लिखेंगे आर वन डिवाइडेड बटे आर ए बी, फिर आर टू डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे? आर बी सी। यहाँ पर क्या होगा? आर बी सी। आर वन डिवाइडेड बटे रो एल बटे एरिया इज इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बटे रो एल डिवाइडेड बटे 100 माइनस एल ये हो गया आपको। अब इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? आर वन डिवाइडेड बटे एल इज इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बटे 100 माइनस एल। तो यहाँ पर क्या हो गया? आर वन इंटू 100 माइनस आर वन इंटू एल इज इक्वल टू आर टू इंटू एल। आर वन ये हो गया 100, यहाँ पर क्या हो गया? आर वन एल प्लस आर टू इंटू क्या हो गया? एल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? आर वन इंटू 100 इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इंटू क्या हो गया? एल। आर वन इंटू 100 इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इंटू एल। एल का वैल्यू निकल गया ना, हमने क्या किया है? एल का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो आर वन इंटू 100 इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इंटू एल। यहाँ पर लिखेंगे आर वन इंटू 100 डिवाइडेड बटे आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू एल, इक्वल टू एल, ऐसे लिखेंगे। आर वन इंटू 100 डिवाइडेड बटे आर वन प्लस आर टू। ये जो एल आया है ये कहाँ से आया है? फ्रॉम ए से। कहाँ से आया है? फ्रॉम ए से। नाउ बैलेंस पॉइंट,
बैलेंस पॉइंट ये वाला जो है इसको लिख रहे हैं नाउ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए नाउ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए ए से बैलेंस पॉइंट है ना यहां तक की दूरी अब बात करते हैं क्या फ्रॉम फ्रॉम सी तो सी से क्या लिखेंगे 100 माइनस क्या लिखना है एल इज इक्वल टू 100 माइनस हंड्रेड वन माइनस आर वन डिवाइडेड बटे आर वन प्लस आर टू यानी 100 माइनस एल इज इक्वल टू 100 यहाँ पर क्या होगा आर वन प्लस आर टू माइनस क्या आर वन डिवाइडेड बटे आर वन प्लस आर टू 100 माइनस एल ये और ये चलो ये हो गया आर टू डिवाइडेड बटे आर वन प्लस आर टू क्लियर ये था किधर से ये जो था ए से बैलेंस पॉइंट एल डिस्टेंस पर है तो मैंने ये निकाला अगर कोई कहता है कि सी से कितना होगा तो सी से कितना होगा 100 माइनस एल होगा ना बैलेंस पॉइंट तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए है ना तो ये हो गया फ्रॉम ए से अब फ्रॉम सी से सी पॉइंट है तो सी से बैलेंस पॉइंट तो 100 माइनस एल इज इक्वल टू 100 माइनस आर वन इंटू 100 बटे आर वन प्लस आर टू तो 100 माइनस एल इज इक्वल टू 100 वन माइनस आर वन बटे आर वन प्लस आर टू 100 माइनस एल इज इक्वल टू 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन आर वन कट जाएगा डिवाइडेड बटे आर वन प्लस आर टू तो 100 माइनस एल इज इक्वल टू 100 आर टू बटे आर वन प्लस आर टू क्लियर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ओके अब यहाँ पे ये बात है कि ये है मेटल स्ट्रिप अब ये मेटल स्ट्रिप है ये भी क्या है मेटल स्ट्रिप इसको मेटल स्ट्रिप बोलते हैं ये मेटल वायर है मेटल इसको लिखते हैं क्या मेटल स्ट्रिप मेटल स्ट्रिप यहाँ पर क्या हो गया मेटल वायर मेटल वायर इसको बोलते हैं मेटल स्ट्रिप इसको बोलते हैं क्या मेटल वायर क्लियर है बात सुन रही ना तो अब यहां पर यह सवाल उठता है कि वाई मेटल स्ट्रिप थिक है ना इसको हम लोग मतलब इतना मोटा क्यों रखते हैं वाई मेटल स्ट्रिप स्टिक वाई मेटल स्ट्रिप थिक वाई मेटल स्ट्रिप थिक मेटल स्ट्रिप को थिक क्यों रखते हैं मेटल स्ट्रिप मेटल स्ट्रिप इज थिक मेटल स्ट्रिप इज थिक है ना मेटल स्ट्रिप इज थिक ड्यू टू है ना मेटल स्ट्रिप थिक ड्यू टू रिड्यूस रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं जैसे कि लाइक नाउ आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बटे एरिया एरिया जो है एरिया रो कांस्टेंट है एल भी क्या है एल भी कांस्टेंट है
तो रेजिस्टेंस जो हो गई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गई, एरिया हो गई, यानी एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। रिड्यूस द रेजिस्टेंस के लिए हम लोग बात करते हैं, क्लियर है। छोटा सा एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है ये, मीटर ब्रिज पे बेस्ट क्वेश्चन है। हमको ये पता है कि ये 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पर R1 है, यहाँ पर क्या है R2, ये 1, ये R1 है और ये 4 ओम है R2। यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर है, इसका नाम A, ये वाला B, ये वाला मानते हैं C, ये हो गया क्या D, क्लियर। मीटर ब्रिज बैलेंस, मीटर ब्रिज जो है वो है बैलेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 - 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 100 - 20 सेंटीमीटर ओवरऑल, ओके। नाउ मीटर ब्रिज बैलेंस, तो R1 बाई क्या लिखेंगे, R1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर बचेगा क्या, R1 डिवाइडेड बाय कितना 20, यहाँ पर क्या डिवाइड होगा 4 डिवाइडेड बाय 80, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 4, तो R1 है ना, R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ओम, ये हो गया आंसर। R1 इक्वल टू क्या हो गया 1 ओम, ये हो गया R1, ये हो गया 80 सेंटीमीटर, ये हो गया 4, ये हो गया कितना 80 सेंटीमीटर, ओके। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर है, तो ऐसे रेशियो में डिवाइड हुआ है, देखिए 20 में 1 ओम तो 80 में कितना हो जाएगा 4 ओम, तो आ जाएगा ना 1 ओम रेशियो, यानी R1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 ओम रख देंगे ना तो वी टेस्ट ऑन ब्रिज क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, क्लियर। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।